हेलो दोस्तों, प्राइम टेक विजन के एक नए और फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बड़े बड़े इंडस्ट्री और वेयर हाउस में ट्रक को कैसे तोला जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, ट्रक को तोलने के लिए धर्म कांटे का यूज़ किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि धर्म कांटे में ऐसा कौन सा इक्विपमेंट, ऐसा कौन सा सेंसर लगा रहता है जो ट्रक का एग्जैक्ट वेट बता देता है। दोस्तों, इसके बारे में आज हम पूरी नॉलेज प्राप्त करेंगे, तो इस वीडियो को आप पूरे अंत तक देखिएगा। दोस्तों, धर्म कांटे में लोड सेल लगा रहता है। लोड सेल एक ऐसा सेंसर रहता है जो फोर्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, इसको हम किसी अलग वीडियो में समझ लेंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि लोड सेल में जो हम दबाव डालते हैं, उसे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर लोड सेल पे हम ज़्यादा दबाव डालेंगे तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वैल्यू जो है वो हाई होगी। अगर दबाव कम होगा तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वैल्यू लो होगी। दोस्तों, अलग अलग कंपनी अलग अलग तरह के लोड सेल मैकेनिज्म को यूज़ करती है अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो अलग अलग लोड सेल में डबल इंडेड शियर बम टाइप लोड सेल होते हैं, कॉम्प्रेस टाइप लोड सेल होते हैं, और बहुत तरह की लोड सेल होती है। अब लोड सेल के ऊपर पूरा स्ट्रक्चर होता है जिस पे ट्रक वेट होने के लिए चढ़ता है। लोड सेल और स्ट्रक्चर का जो डिज़ाइन है वो अलग अलग कांटे की क्षमता के अनुसार बनाया जाता है। अलग अलग उसकी जो कैपेसिटी होती है, वेट को तोलने की जो क्षमता होती है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग उसका मैकेनिज़्म होता है। अब एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हम कि एक धर्म कांटा 60 टन का है और उसमें 4 लोड सेल लगे हुए हैं जिसकी लोड सेल की तोलने की कैपेसिटी 20 टन है। अब चारों लोड सेल मिलके उस कांटे की कैपेसिटी को 80 टन बना देते हैं और जो स्ट्रक्चर का डेड लोड होता है वो 20 टन होगा। अब चारों लोड सेल से वायर निकल के वेइंग इंडिकेटर में कनेक्टेड होता है। दोस्तों, ये वेइंग इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नंबर के फॉर्म में हमें दिखाता है, जिससे हमें ट्रक का एग्जैक्ट वेट मालूम होता है। दोस्तों, धर्म कांटे को यूज़ करने से पहले हमें नापतौल विभाग, जो एक इंडियन गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, उनसे हमें पहले धर्म कांटे को सर्टिफाइड करवाना पड़ता है। धर्म कांटा एक बार सर्टिफाइड होने के बाद ही हम उसे कॉमर्शियल पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेशन से पहले जो भी नापतौल विभाग के अथॉरिटी होते हैं वो कांटे का कैलिब्रेशन करवाते हैं। अब कांटे का कैलिब्रेशन जो होता है, कैलिब्रेशन करने के लिए कांटे के ऊपर हम कांटे की मैक्सिमम कैपेसिटी का 60% स्टैंडर्ड वेट रख देते हैं और उसकी जो वैल्यू होती है उसे हम इंडिकेटर में सेव कर देते हैं। इंडिकेटर में एक बार वैल्यू सेव होने के बाद इंडिकेटर सभी लोड सेल पर पड़ने वाले लोड और स्ट्रक्चर पर पड़ने वाले लोड का एक एवरेज सिग्नल को डिटेक्ट करके वो वेट हमें शो करता है। अब ट्रक ड्राइवर खाली ट्रक को कांटे के ऊपर चढ़ा देता है, जिससे हमें ट्रक का टेयर वेट मिलता है। इस टेयर वेट को हम इंडिकेटर में सेव कर देते हैं। इंडिकेटर में वेट सेव होने के बाद एक टिकट नंबर या एक आईडी नंबर जनरेट होता है, जिसे बाद में जब ट्रक लोड होके आता है, मटेरियल के साथ लोड होके आता है, तो उसी ट्रक के आईडी या टिकट नंबर को हम दोबारा डालते हैं इंडिकेटर में, जिससे वह पुरानी टेयर वेट और नई जो वेट ग्रॉस वेट हमारे पास आई है उस दोनों को डिफरेंस करके हमें मटेरियल का एग्जैक्ट वेट, जो नेट वेट होता है, वो हमें बता देता है। तो दोस्तों, आज आप समझ गए होंगे कि वेब्रिज कैसे काम करता है और किस तरह से वेब्रिज में हमें एग्जैक्ट मटेरियल का वेट मिल जाता है।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे अगर आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।